हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ्यक्रम के परिभाषा में थर्ड इकाई है जिसमें प्रश्नों के बारे में दे रखा है कि कक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। एक टाइटल है जिसके बारे में मैं विस्तारित रूप से बताऊंगा कि प्रश्न पूछना भी एक कला है। प्रश्न पूछना भी एक क्या है? कला है। अब प्रश्न के माध्यम से किसी भी शिक्षार्थी के बारे में हम जान सकते हैं, बालक के मन की बात जान सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से। आदिकाल से ही एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में प्रश्नों का ही एक मीडियम रहा है, प्रश्नोत्तर के का ही बीच में मीडियम रहा है। दोनों के बीच में जब अंतर्क्रिया होती है वो प्रश्नों के माध्यम से ही होती है, और किसी विषय वस्तु के मतलब की तह तक पहुंचने के लिए उस प्रश्नोत्तर का ही सहारा लिया जाता है। और किसी बालक के अगर मूल्यांकन करना है, किसी बालक के जिज्ञासा के बारे में पता करना है, तो उसके अंदर उसके प्रश्नों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। जैसे शिक्षक छात्र अधिगम की जांच हेतु अथवा पाठ्यक्रम के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु प्रश्न पूछता है और शिक्षक उसका क्या करता है? उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्न पूछना भी एक शिक्षण कौशल है। क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल, यानी ये भी एक कला है कि प्रश्नों को हम कैसा पूछे कक्षा में और प्रश्नों के उत्तर कैसे निकलवाए बच्चों से। तो ये भी एक कला है और ये कला एक शिक्षक को सीखना चाहिए, क्योंकि मतलब कि 80% एक शिक्षक का रोल होता है क्लास में, लेकिन वो जब प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से पूछेगा तो वो बच्चे भी सक्रिय रहेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नों का संकलन अर्थपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्नों का अर्थपूर्ण होना किस तरह से, कि अर्थपूर्ण का मतलब होता है कि वह संरचना, प्रक्रम व उत्पाद, इन तीनों बातों का ध्यान में रखा जाना जरूरी है, तभी प्रश्न एक उचित होगा, सटीक होगा। अब प्रश्न पूछना और प्रश्न विद्यार्थियों से उत्तर निकलवाना, मैंने बताया कि एक महत्वपूर्ण कौशल है। हम आगे बच्चों के सामने ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्न किस तरह के पूछने, उत्तर कैसे निकलवाना, ये एक अंदर एक इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि एक कुशल अधिवक्ता यानी वकील प्रश्नों के माध्यम से ही एक मुजरिम से सच उगलवा देता है या सच निकलवा देता है। एक कुशल अपने मनोचिकित्सक वो जो मार्गदर्शक होता है वो प्रश्नों के माध्यम से ही एक मरीज से अपनी स्टोरी पता करवा देता है या उसकी पिछली जो कहानियां होती है उसका पता लगा लेता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रश्नों के माध्यम से ही हम पाठ के विकास को कैसे बढ़ाएं, प्रश्नों के मतलब कि प्रश्न के माध्यम से ही उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाए, इसके बारे में हम आज विस्तारित रूप से जानकारी लेंगे। अब है प्रश्न उत्तर है कि बहुत से दार्शनिकों ने प्रश्न के परिभाषा दे रखी है, जैसे वॉशिंग के अनुसार प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। मतलब प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। इसी तरह से रमन बिहारी लाल के अनुसार उन्होंने भी ये परिभाषा दे रखी है कि अगर हम कहे कि बिना प्रश्नोत्तर की कोई भी शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं है तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम यह बताना चाहते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से ही शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है, बिना प्रश्नोत्तर के कोई भी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है, उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकती है। तो हम आप पता करेंगे, अब देखा जाए तो प्रश्नों के प्रकार कितने हैं? प्रश्नों के प्रकार चार हैं। चार प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघुतरात्मक प्रश्न, फिर है लघुतरात्मक प्रश्न, फिर है निमित्तात्मक प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं? जिसमें कोष्ठक वाले प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान के पूर्ति के प्रश्न होते हैं, सत्य असत्य के प्रश्न होते हैं, मिलान वाले प्रश्न होते हैं, ये सभी होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें लिखा हुआ आता है कि 30 या 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, या फिर यह लिखा हुआ होता है कि 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। और लघुतरात्मक प्रश्न
जो 150 शब्दों का होता है, मान लो एक पेज का, एक पेपर का, एक पैराग्राफ, हम उसको लघुतराक्म प्रश्न कह सकते हैं। और निबंधात्मक प्रश्न किसके कहेंगे? निबंधात्मक मतलब है कि शब्द से ही मालूम पड़ रहा है, निबंध यानी कोई बंधन नहीं, मतलब है कि उसके लिए कोई मतलब है कि विस्तारित रूप से उत्तर देना पड़ता है, या हम ज्यादा से ज्यादा 500 शब्दों के लिए कह सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब हम 4 प्रश्नों के प्रकार के बाद श्रेष्ठ प्रश्नों की क्या विशेषता होती है, श्रेष्ठ प्रश्नों के हम श्रेष्ठ प्रश्नों का प्रश्न किसे कहेंगे, उसमें उनमें क्या मतलब विशेषता होती है जिससे एक प्रश्न एक शिक्षार्थी एक बालक प्रश्नों के उत्तर एक सरल और सहज रूप से वो दे सकता है। तो पहला है कि अच्छे प्रश्नों की भाषा सरल, सुव्यवस्थित और सुनिश्चित होनी चाहिए। मतलब है कि जब भी प्रश्न एक शिक्षक के द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे क्या शिक्षार्थी उसको आसानी से समझ कर उसको मतलब कि मालूम होना चाहिए कि शिक्षक के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, तो वो प्रश्नों का उत्तर आसानी से रूप से दे सकता है। दूसरा है प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, मतलब है कोई भी शिक्षक के द्वारा अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो प्रश्न के अंदर क्या कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न छात्र के स्तरानुसार होना चाहिए, मतलब कि प्रश्न भी ऐसे पूछे जैसे मान लो अगर बच्चा अगर प्राथमिक क्लास में पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से प्रश्न होना चाहिए, और बड़ी क्लास में अगर पढ़ रहा है तो उसके प्रश्न भी उसकी बड़ी क्लास के स्तरानुसार होने चाहिए, जिससे कि बच्चा जिस चीज को जानता है उसके बारे में आराम से उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अब है कि उत्तर सीमा और समय निर्धारण में परस्पर सहसंबंध होना चाहिए। जब प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे प्रश्न पूछा है बोले कि एक पंक्ति में दीजिए या 2 पंक्ति में दीजिए, और हम अगर उसकी समय निर्धारण नहीं करेंगे तो शायद बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक समय उत्तर सीमा और समय निर्धारण में दोनों में सहसंबंध होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रश्न बालक की कल्पना शक्ति वो तर्क शक्ति के अनुसार होनी चाहिए, मतलब प्रश्न इस टाइप से होना चाहिए शिक्षक के द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी कल्पना शक्ति जागृत होनी चाहिए, उसके बारे में मतलब वो एक दूरदर्शी होना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या निकलना चाहिए, तो उसकी कल्पना शक्ति एकदम क्रियाशील हो जाती है, तो ऐसे प्रश्नों को ही पूछना चाहिए। दूसरा है नेक्स्ट है कि वाणी में स्पष्टता, मतलब जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो वाणी में स्पष्टता, भाषा एकदम भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। जब भी एक शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो एक मतलब शिक्षार्थी को मतलब ऐसी भाषा यूज करे जिससे उसको समझ में आ जाए, तो भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक प्रश्न में एक ही बात होनी चाहिए, एक प्रश्न में एक ही बात होनी चाहिए, मतलब एक अगर एक प्रश्न में एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें एक ही बात का उत्तर होना चाहिए, दूसरी बात का नहीं तो क्या होता है कि बच्चा शिक्षार्थी कंफ्यूज हो जाता है। और नेक्स्ट है अनावश्यक बातों का या अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसी के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसी विषय वस्तु के बारे में चर्चा होनी चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, जितना पूछा है उतना ही उत्तर देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों में लचीलापन होना चाहिए, प्रश्न इस टाइप से होने चाहिए कि उसमें बच्चे आसानी से उत्तर दे सके और उसका हल निकाल सके, प्रश्न सरल होने चाहिए और उनके अनुसार होने चाहिए, जिज्ञासापूर्ण होने चाहिए। तो ये है एक श्रेष्ठ प्रश्नों की विशेषता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।